वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. आप सभी लोगों के लिए गाइज आईसीटी और लॉजिकल रीजनिंग के एमसीक्यू सीरीज हम लोग कर रहे हैं और आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आप सभी लोगों के मैं सामने आ गई हूँ. एक बार मेरा एवी मुझे चेक करा दीजिए गाइज सो दैट वी कैन स्टार्ट द सेशन फॉर द डे. और वीडियो को जल्दी से सभी लोग शेयर कर दीजिए जितने भी लोगों ने अभी तक शेयर नहीं किया है. हेलो गाइस जी, आप सभी को भी हैप्पी गुरु पूर्णिमा. मेघा कह रही हैं हेलो मैम, आप बहुत अच्छे हो मैम, डीआई करा दो प्लीज. चलिए शुरू करें गाइस आज का हमारा सेशन. एक बार सभी लोग आ जाएं लाइव तो उसके बाद में शुरू करते हैं. इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर आप सभी लोगों का वेलकम है गाइस. और जैसा आप लोग जानते हो हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग सीरीज पढ़ रहे हैं जिसके अंदर मैं कंप्लीट आईसीटी और कंप्लीट लॉजिकल रीजनिंग आप लोगों को कंप्लीट करवा रही हूँ. ठीक है, जहां तक बात है मेगा डीआई का तो मैं बिल्कुल डीआई के लिए आपके लिए स्पेशल क्लासेस अरेंज करती हूँ. आज भी मेरी क्लास है 11 बजे, तो आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर मेरे साथ में वो क्लासेस ले सकते हैं. इसके अलावा सिमर मैम भी है जो YouTube पे आप लोगों को DI पढ़ा रहे हैं. ओके थैंक यू सो मच आप सभी को भी हैप्पी गुरु पूर्णिमा. अच्छा अब जल्दी से वीडियो को शेयर कर दीजिए गाइस क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अभी तक मुझे लग रहा है कि अभी तक आए नहीं हैं लाइव, तो वीडियो हो जाना चाहिए जोरों शोरों से शेयर. जिन्होंने भी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है वीडियो पे लाइक करके अटेंडेंस लगा दीजिए. और शुरू करते हैं हम आज का हमारा सीरीज गाइस. मेरा नाम अदिति है. इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप लोगों के लिए डेली लाइव क्लासेस हम लोग लेके आते हैं. अगर आप लोगों को मुझे अनअकैडमी पर फॉलो करना है तो आप बाय नेम मुझे सर्च कर सकते हो अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर, बाय नेम अदिति शर्मा आपको मैं वहां पर मिल जाऊंगी. आप लोगों के लिए मैंने पेपर 1 की, पेपर 2 की और साथ ही साथ इसके अलावा मिक्स MCQs मॉक टेस्ट भी है जो मैं अभी आप लोगों के लिए लेके चल रही हूँ. 11 AM पेपर 1 के मॉक टेस्ट हो रहे हैं गाइस जो कि टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं. रेफरल कोड Aditi10 एज एन इनवाइट कोड आप वहाँ पर लगा सकते हो. इसके अलावा अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर अगर आप लोग मेरा बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो 28th of July से मेरा नया बैच स्टार्ट हो रहा है गाइस, दोनों ही पेपर 1 और पेपर 2 के लिए. तो आप इसे ज्वाइन कर लीजिएगा. इससे पहले पहले रेफरल कोड Aditi10 लगा सकते हैं इंस्टेंट 10% डिस्काउंट के लिए. अगर आप लोगों को मेरी आइडियोलॉजी पसंद है तो आप लोग मेरा रेफरल कोड लगा के बाकी एजुकेटर्स की क्लासेस भी ले सकते हैं. चलिए गाइस शुरू करते हैं क्योंकि आपको भी पता है कि हर वेंसडे है आप लोगों के लिए एक नया बैच आता है अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर. पेपर 1 हो या पेपर 1 के साथ साथ पेपर 2 कोई सा भी हो, मेरा पेपर 2 कंप्यूटर साइंस है जिससे मैंने अपना JRF निकाला है. तो अगर आप लोग मेरे साथ कंप्यूटर साइंस कंप्लीट करना चाहते हैं और पेपर 1 पढ़ना चाहते हैं तो भी आप लोग सेम रेफरल कोड से जा सकते हैं क्योंकि आप भी जानते हैं कि आप लोगों को बहुत एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलते हैं प्लस क्लासेस के अंदर और आइकॉनिक क्लासेस के अंदर. एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर है जो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ. आपको बताया गाइस कि अब जो है वो प्लस के अंदर ऑडियो रिकॉर्डिंग्स ऑडियो चैट भी शुरू हो गया, यानी कि कोई भी अगर स्टूडेंट है कुछ इंटरेक्ट करना चाहता है टीचर से या कोई ऐसा डाउट है जिसे लिखा नहीं जा सकता है ना, एक डिस्कशन करना है कुछ डिबेट करनी है तो वो फीचर भी अब नया ऐड हुआ है प्लस के अंदर. तो अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि आप मुझसे वर्बली बात करना चाहते हैं तो भी प्लस प्लेटफॉर्म पर अब वो आप लोगों के लिए नई फैसिलिटी प्रोवाइडेड है. इसके अलावा आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के अंदर जैसे मैं आपको बोलूं तो पर्सनल गाइडेंस नाम की चीज़ मिलती है जो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होती है गाइस. साथ ही साथ आइकॉनिक और प्लस दोनों में ही बहुत सारे बेनिफिट्स हैं. कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स आप लोगों को आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में मिल जाते हैं जिसे आप लोग कंसिडर कर सकते हैं. अगर आप लोगों का ड्रीम PhD करना है राइट, तो आपको स्टेटमेंट ऑफ पर्पज अभी से तैयार कर लेना चाहिए गाइस और उसके लिए भी अनअकैडमी पर आपको ट्रेनिंग दी जाती है. ठीक है, फीस की अगर हम लोग बात करें तो बहुत नॉमिनल से चार्जेस हैं. 12 मंथ की फीस जो है वो आप लोगों की अभी ऑलरेडी 58% ऑफ पे चल रही है. और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर 12+2 मंथ यानी कि 14 मंथ्स आप लोगों को वैलिडिटी मिलने वाली है और रेफरल कोड लगा के आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा और 10% डिस्काउंट आप लोगों को मिल जाता है क्रेडिट स्कोर से. ठीक है, तो ये सारे के सारे फीचर्स लगा के आप लोग जब फीस लोगे तो कुछ 10 से 11 हज़ार में आपको कंप्लीट पेपर 1 पेपर 2 सभी कुछ मिल जाएगा गाइस. ठीक है, तो ये आप लोग बेनिफिट ले सकते हैं. इसके अलावा बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो अब इस वक्त आइकॉनिक से हमारे साथ जुड़ रहे हैं
तो अगर आप आइकॉनिक पे जाते हो तो भी आपको अभी अच्छा खासा 28% ऑफ मिल रहा है 12 मंथ पे, और 38% ऑफ मिल रहा है आप लोगों को गाइस 24 मंथ की वैलिडिटी पे। साथ ही साथ रेफरल कोड से इंस्टेंट 10% डिस्काउंट तो आप लोगों को एक्स्ट्रा मिल जाएगा, तो ये फीस भी आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल है, राइट। तो मेरे साथ साथ बाकी सभी एजुकेटर्स की क्लासेस ले सकते हो। अचीवर्स बैच अभी अभी आया है नया नया, तो इसे आप ज्वाइन कर सकते हो। एक ही सिलेबस करना है, मतलब एक ही सब्सक्रिप्शन से आपको सभी की क्लासेस मिल जाती है गाइस, ठीक है। 6+2 मंथ वाला ऑफर चल रहा है और 12+2 मंथ वाला ऑफर भी चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग शुरू करते हैं, जहां से हम लोगों ने कल खत्म किया था। आज ही पूरा खत्म कर दूंगी गाइस, है ना, आज ही पूरा खत्म कर दूंगी। और कल सुबह 8 बजे के लिए मैंने एक आप लोगों के लिए बहुत शानदार सरप्राइज सोच के रखा है, जो मैं वीडियो के एंड में डिस्क्लोज करूंगी। बहुत ही मजेदार है, मतलब आपके रिविजन को वो नेक्स्ट लेवल पे लेके चला जाएगा जो कल मिलेगा। और फिर हम लोग मंडे से एक नया सीरीज शुरू करेंगे आईसीटी के अंदर, मैं इंटरनेट और इंटरनेट से रिलेटेड सारे एमसीक्यूज आपको कराऊंगी, ओके। चले गाइस, तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्या बोला जा रहा है, अ डैश इज अ मॉनिटर दैट इज कवर्ड विद अ प्लास्टिक लेयर टू अलाउ यू टू प्रेस द स्क्रीन टू सिलेक्ट कमांड्स। क्या होता है, डिजिटाइजिंग टेबलेट होता है, लाइट पेन होता है, पॉइंटिंग स्टिक होता है, या फिर टच स्क्रीन होता है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सी और डी दो मेक्स आंसर्स मुझे मिल रहे हैं। जो करेक्ट आंसर है वो इस क्वेश्चन का, देखो आपको सीधा सीधा बोला है कि जो आपको अलाउ करता है टच करने के लिए, तो ऑब्वियस ही बात है कि वो टच स्क्रीन होने वाला है, है ना। डिजिटाइजिंग टैबलेट नहीं हो सकता, लाइट पेन हो गया और पॉइंटिंग स्टिक हो गई है, तो आप लोगों के क्या हो जाएंगे गाइस, पॉइंटिंग डिवाइसेस हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, पॉइंटिंग डिवाइसेस हो जाएंगे, तो ये तो हो नहीं सकता, ठीक है ना। तो आपको प्रेस करना है स्क्रीन पर और सिलेक्ट करना है कमांड को, ये सब आप लोग यूज करते हैं गाइस टच स्क्रीन, तो करेक्ट आंसर इसका टच स्क्रीन ही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिस टाइप ऑफ पॉइंटिंग डिवाइस इज कॉमनली यूज एट रेस्टोरेंट्स, एटीएम्स एंड इंफॉर्मेशन सेंटर्स। मैकेनिकल माउस, जॉयस्टिक, लाइट पेन या फिर टच स्क्रीन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड पोटेंशियल क्वेश्चन। एक क्वेश्चन आप लोगों का ऐसा बनता ही है गाइस, जिसके अंदर आप लोगों से यू नो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है यार, आज शेयरिंग प्रॉपर चल नहीं रही है, शेयरिंग हो जानी चाहिए गाइस, एक बार शेयर हो जाए। डी, डी सभी लोग मुझे यहां पर आंसर दे रहे हैं। देखिए गाइस, यहां पर भी आप लोगों का जो आंसर होने वाला है वो टच स्क्रीन ही होने वाला है, क्योंकि रेस्टोरेंट्स हो गए, एटीएम्स हो गए, इंफॉर्मेशन सेंटर्स हो गए। इनफैक्ट आप लोगों ने देखा होगा कि आजकल तो बैंकिंग सिस्टम के अंदर भी यही चीजें यूज की जाती है ना, इस तरीके से टच स्क्रीन बना दिया जाता है और आपको उस पर सारी इन्फॉर्मेशन डालनी होती है अपनी लैंग्वेज यूज करके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गाइस, ये आप लोगों का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये आप लोगों से ऑलरेडी पूछा हुआ है 2018 के अंदर। क्या होने वाला है यहां पर आंसर, बी। देखो, दिस टाइप ऑफ डिवाइस टिपिकली ऑपरेट्स बाय मूविंग अक्रॉस टेक्स्ट एंड इमेजेस। ऑप्टिकल माउस, लाइट पेन, स्कैनर या फिर जॉयस्टिक। टेक्स्ट और इमेजेस के अराउंड मूव करने वाला गाइस, ये तो आपका स्कैनर ही होता है ना, स्कैनर। वेरी गुड,
नीतू यादव जी ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, पूजा ने भी सही आंसर दिया है। दिस इज योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, 2018 में यूजीसी नेट के अंदर ही क्वेश्चन आप लोगों का पूछा गया था। और आप लोगों से क्या पूछा गया था कि ऐसा कौन सा डिवाइस है जो टिपिकली ऑपरेट करता है अक्रॉस द टेक्स्ट। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कोई भी जो स्कैनर होता है गाइस, उसका इस तरीके से एक फ्लैब होता है, ठीक है। और आप यहाँ पर क्या रखते हो, अपने टेक्स्ट या डॉक्यूमेंट्स लिखते हो, जो भी आप लोगों की हार्ड कॉपी होती है। क्यों? क्योंकि ये एक तरीके का क्या है, इनपुट डिवाइस है। तो जो भी आपकी हार्ड कॉपी होती है उसे किसमें कन्वर्ट करने के लिए काम आता है, ये सॉफ्ट कॉपी के अंदर कन्वर्ट करने के लिए काम आता है। जैसे ही आप फ्लैप बंद करते हो गाइस, ठीक है ना, तो इसके अंदर क्या होता है, आपने देखा होगा एक लाइट सी जाती है। अगर आपने कभी गौर से देखा हो फोटो कॉपी करवाने जब हम जाते हैं, तो एक फ्लैप को बंद करते ही एक लेजर लाइट जाती है पूरे टेक्स्ट के अराउंड, पूरे टेक्स्ट पे मूव करती है। एंड देन फाइनली उस हार्ड कॉपी को हम लोग क्या कर देते हैं, डिजिटाइज कर देते हैं, यानी सॉफ्ट कॉपी के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं, राइट। तो इसे हम लोग बोलते हैं स्कैनिंग प्रोसेस। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा स्कैन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इनमें से ऐसा कौन सा है जो कि एक कॉपी मशीन के जैसा काम करता है गाइस, इनमें से ऐसा है कौन सा जो कॉपी मशीन के जैसा काम करता है। ठीक है, बहुत ही अच्छा पोटेंशियल क्वेश्चन है। देखो जो लास्ट क्वेश्चन मैंने बताया आप लोगों को, उसी पर बेस्ड एक कॉन्सेप्ट है जो यहां पर आप लोगों के लिए हम बात कर रहे हैं। तो देखो आप लोगों के पोटेंशियल क्वेश्चन है ये, है ना, ये आप लोगों का पोटेंशियल क्वेश्चन है गाइस। और अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो ये कैसा होता है, फ्लैट बैग स्कैनर होता है। कैसा होता है, फ्लैट बैग स्कैनर, ठीक है। ये मैं पोटेंशियल लिखना चाहती थी, मैंने पोर्टेबल लिख दिया फर्स्ट ऑप्शन पढ़ के, तो इसीलिए बहुत सारे स्टूडेंट्स से आंसर ये करा है जो कि गलत है। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो मेरा देखकर आप लोगों ने ये आंसर किया जो कि गलत है, ठीक है। तो क्योंकि मैं रीड कर रही थी क्वेश्चन को और पोटेंशियल लिखना चाहती थी, गलती से पोर्टेबल लिख दिया, इसीलिए आप सब लोगों ने गलत आंसर दिया, तो ये गलत हो जाएगा गाइस, ठीक है। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा फ्लैट बैग स्कैनर, जो आजकल आप लोगों ने देखा होगा ना, प्रिंटर कम स्कैनर्स आते हैं। प्रिंटर कम स्कैनर्स आते हैं जिसमें इंजेक्ट प्रिंटर लगा हुआ होता है, है ना, इंकजेक्ट प्रिंटर लगा हुआ होता है, उसे हम लोग बोलते हैं फ्लैट बैग स्कैनर। इतना भरोसा, मतलब ठीक है यार गुरु पूर्णिमा है, पर इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि सभी ने गलत किया है इसको, ठीक है ना। ये क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन वाला जो स्क्रीन है उस पे साइज ठीक है, उस पे साइज ठीक है, मुझे नहीं लगता कि ये सबको विजिबल होगा यार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गाइस, बहुत ही बढ़िया और इजी सा क्वेश्चन है, ठीक है। ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन इंग्लिश टीचर, पॉपुलर इंग्लिश टीचर्स या फिर अनपॉपुलर इंग्लिश टीचर्स। अच्छा पहले ही दे चुके थे जी, बिल्कुल राहुल बिल्कुल सही बोल रहे हैं, ऑल इन वन प्रिंटर्स जिन्हें बोला जाता है, जो स्कैनर कम प्रिंटर्स आते हैं। यहां पर आंसर्स बता दीजिए मुझे, ठीक है। फेवरेट आईसीटी टीचर, आईसीटी टीचर एंड नॉट सो पॉपुलर आईसीटी टीचर। ये गलत नहीं करना गाइस, नहीं तो मैं बता रही हूँ इंग्लिश वाली जो टीचर है वो आपके सपनों में आने वाली है इस क्वेश्चन के बाद में, अगर आपने ये गलत कर दिया तो। बी, चलिए मोस्टली बी आंसर्स मिल रहे हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं सी और कुछ लोग बोल रहे हैं डी भी। अच्छा ए भी आ गया, मतलब मिक्स चल रहा है यहाँ पर। देखो आप लोगों से तीन डोमेन बोली गई है गाइस, तो आप मुझे एक बात बताइए कि यहाँ पर सीधा सीधा आपसे बोल रही हूँ इंग्लिश टीचर्स, पॉपुलर इंग्लिश टीचर्स और अनपॉपुलर इंग्लिश टीचर्स। तो जो आप लोगों का इंग्लिश टीचर्स हैं, राइट, जितने भी आप लोगों के इंग्लिश टीचर्स, वैसे तो करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए ही होने वाला है, बहुत कम स्टूडेंट्स ने यहाँ पर आंसर दिया है सही, है ना, बहुत कम स्टूडेंट्स है जिन्होंने सही आंसर दिया। आई कैन सी राहुल राजपूत जी ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, बहुत ही कम, ठीक है। इसके अलावा बरनाली दास जी हैं जिन्होंने भी सही आंसर दिया है, ठीक है। अच्छा मुझे रीजन बताना चाहेगा कोई कि इसका रीजन ए क्यू, मतलब इसका आंसर ए क्यू है। देखो यहां पर आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि ये इंग्लिश लगा देंगे पॉपुलर या अनपॉपुलर, जबकि आप मुझे बताइए है तो दोनों इंग्लिश टीचर्स के अंदर ही आ रहे हैं। देखो आपका जो टीचर है वो किसके अंदर आ रहा है, इंग्लिश टीचर के अंदर ही तो आ रहा है,
है तो डोमेन इंग्लिश ही, तो आपके इंग्लिश टीचर्स हो गए, पॉपुलर इंग्लिश टीचर्स हो गए और अनपॉपुलर टीचर्स हो गए। तो क्या यहाँ पर आप इस पॉपुलर अनपॉपुलर टीचर्स को सिर्फ इंग्लिश के लिए कंसिडर करेंगे? कोई ये रीजन मुझे देना चाहे? देखो गाइस, ये आप लोगों का क्या है, ये है आप लोगों के इंग्लिश टीचर्स, ये आप लोगों के कैसे टीचर्स है, पॉपुलर इंग्लिश टीचर्स, और ये कैसे हैं, अनपॉपुलर इंग्लिश टीचर। सीधा सीधा दिख रहा है, ये इंग्लिश टीचर, ये अनपॉपुलर इंग्लिश टीचर, और ये क्या हो जाएंगे आप लोगों के, पॉपुलर इंग्लिश टीचर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए कोई नहीं, ये वाला ट्राई करते हैं। आपसे बोल रही हूँ एजुकेटेड पीपल, अनएम्प्लॉयड पीपल और टीचर्स, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार मार्क कर लेंगे इसे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है यार, एक बार शेयरिंग हो जानी चाहिए, और जिन्होंने भी अभी तक लाइक नहीं किया है वो लाइक भी कर दीजिए। सैटरडे नहीं बनाना है भाई, जब हम नहीं बना रहे तो आपको भी नहीं बनाना है। अंदर वाला है पॉपुलर इंग्लिश टीचर, अनपॉपुलर टीचर बोला है, अनपॉपुलर इंग्लिश टीचर नहीं बोला है, इसलिए अनपॉपुलर कुछ इंग्लिश वाले टीचर्स भी हो सकते हैं और कुछ बाकी सब्जेक्ट्स वाले भी हो सकते हैं, इसीलिए ए आंसर होगा। ठीक है, ऐसे ही बहुत इंटरेस्टिंग नए क्वेश्चंस है, तो ध्यान से देखिएगा। एजुकेटेड पीपल लिखा है, अनएम्प्लॉयड लिखा है और टीचर्स लिखा है। ठीक है, अब देखो सबसे पहली बात तो एजुकेटेड पीपल होगा तो ही टीचर बनेगा। ठीक है, और अगर अनएम्प्लॉयड है तो वो टीचर के अंदर आ नहीं सकता, राइट, अलग जगह पर वो जाएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छा, दिखने में इजी लग रहा है बट ये है डिफिकल्ट क्वेश्चन। डी, देखिए गाइस यहां पर आपका बिल्कुल आंसर गलत है, और करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अभी मैंने आप लोगों को बताया कि जो आप लोगों के एजुकेटेड पीपल है, एजुकेटेड पीपल ही क्या बनेगा, टीचर बनेगा, और कोई अनएम्प्लॉयड है तो टीचर से उसका कोई लेना देना होने नहीं वाला है, तो ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बर्नाडी दास जी, वेरी गुड, इनके पिछला क्वेश्चन भी सही था इनका, और ये वाला क्वेश्चन भी सही है, तो वेल डन। ये क्वेश्चन ईजी नहीं है, दिखने में ईजी लग रहा है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे एजुकेटेड लोग हो सकते हैं गाइस जो अनएम्प्लॉयड होंगे, बहुत ये एजुकेटेड लोग हैं, ये अनएम्प्लॉयड एजुकेटेड लोग हैं, और ये है टीचर्स। ठीक है, तो हो गया आप लोगों का, करेक्ट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर बी। वेरी गुड क्वेश्चन गाइस, ठीक है ना, तो इसको आप मान के चलेगा कि आपका ये नया कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो अपने सैटरडे कॉन्सेप्ट लिस्ट के अंदर इसको भी मेंशन कर लीजिएगा, बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। चलिए सेम थीम पर बेस्ड और भी क्वेश्चंस करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। विच ऑफ द फॉलोइंग बेन डाइन करेक्टली इलस्ट्रेट द रिलेशनशिप अमंग द क्लासेस विच इज टेनिस फैंस, क्रिकेट प्लेयर्स एंड स्टूडेंट। ध्यान से देखना लिखा क्या है, टेनिस फैंस, क्रिकेट प्लेयर्स एंड स्टूडेंट। वेरी गुड क्वेश्चन अगेन। बिल्कुल ज्योति बोल रही है, वाओ आई एम राइट। जी आप पढ़ेंगे तो बिल्कुल राइट होंगे यार, है ना, कॉन्फिडेंस रखिए, मैंने सिखाया है। जी बिल्कुल, बट आपने सीखा भी है, बहुत अच्छी बात है। बाकी भी लोग हैं अपना बॉर्नविटा वेस्ट कर रहे हैं गलत आंसर्स कर करके। बॉर्नविटा चेंज गाइस, आज से बूस्ट शुरू करेंगे हम, क्योंकि बूस्ट इज द सीक्रेट ऑफ आर एनर्जी। बॉर्नविटा से गलत आंसर्स निकल रहे हैं आपके, ए सी डी। यार ये मुझे समझ में नहीं आता कि हम क्या ये रैंडम आंसर्स, ये क्या आप लोग पहले से डिसाइड करके मुझे बताते हो क्या आंसर्स? कोई बोलेगा ए, कोई बोलेगा सी, कोई बोलेगा डी। ये जैसे पोल में हमारा प्रसाद बढ़ जाता है, ये क्या सबको इक्वल, इतना हम इक्वलिटी की तरफ जा रहे हैं, सब में आप लोग आंसर्स देते हो मुझे, कोई ए बोलेगा, कोई बी, कोई सी, कोई डी। ऐसा नहीं है कि यूनानिमसली कोई एक आंसर दे दे, या दो आंसर्स में मैं कंफ्यूज हो रही हूँ, या मिक्स आंसर्स कि एक सही नहीं हुआ तो मैम दूसरा। ये सब ने क्या ये पार्टी बना रही है क्या आप लोगों ने? मतलब हर क्वेश्चन में मुझे मिक्स आंसर्स मिल रहे हैं। देखो अब बात हो रही है यहां पर टेनिस फैंस की और क्रिकेट प्लेयर्स की। देखो क्या ये दोनों स्टूडेंट्स के अंदर आ सकते हैं? क्या स्टूडेंट आप लोगों का क्रिकेट प्लेयर हो सकता है और टेनिस फैन हो सकता है? तो बस उसी के अकॉर्डिंग आप बना दो, ये आपका स्टूडेंट हो गया, ये आप लोगों का टेनिस फैंस हो गए, और ये आप लोगों के क्रिकेट प्लेयर्स हो गए। अब जरूरी तो नहीं है ना कि क्रिकेट प्लेयर आपके सारे के सारे स्टूडेंट होंगे। विराट कोहली कौन सा स्टूडेंट है भाई, 10th तक ही था वो स्टूडेंट।
मतलब मैं बताना चाहती हूँ, जो सारे प्लेयर्स है वो स्टूडेंट नहीं होंगे, और जो सारे टेनिस फैंस हैं वो आपके क्या नहीं होंगे, स्टूडेंट नहीं होंगे, बट डेफिनेटली आप लोगों के स्टूडेंट टेनिस फैंस एंड क्रिकेट प्लेयर्स, ये एक कैटेगरी हो सकती है। ये वो वाले स्टूडेंट हैं जो टेनिस प्लेयर है, टेनिस फैंस हैं, ये वो वाले हैं जो क्रिकेट प्लेयर खेलते हैं, और ये ऐसे टेनिस फैंस हैं जो क्या करते हैं, क्रिकेट खेलते हैं। हाँ, थोड़ी अजीब कैटेगरी है ये, पसंद इनको टेनिस है और खेलते ही क्रिकेट है ना, और ये वो लोग हैं जो तीनों चीजों में आ सकते हैं। तो करेक्ट आंसर सीधा सीधा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, है ना। था पे नहीं लगाना है, मैं पहले ही बता देती हूँ, नोट बना के ये नोट कर लीजिएगा। देखिए गाइस, इस क्वेश्चन से जो हमें शिक्षा मिलती है आज गुरु पूर्णिमा के दिन, उस शिक्षा को जरा नोट बना के लिखिएगा कि वेन डायग्राम के अंदर ठीक है जी, नोट बना के लिखेंगे सभी लोग कि वेन डायग्राम में नो पास्ट एंड फ्यूचर प्रेडिक्शन, किसी का भी जीवन में बताना नहीं है कि मैम वो पहले जमाने में तो ऐसा था, प्राचीन समय में ऐसा था, और ना ही फ्यूचर प्रेडिक्शन करके बताना है कि मैम जो अभी अनएम्प्लॉयड है वो थोड़े दिनों बाद में एम्प्लॉय हो सकता है। अगर इसके अकॉर्डिंग आप आंसर करने लग गए, जैसे लास्ट क्वेश्चन में मुझे बोलोगे कि मैम जो अनएम्प्लॉयड है पर एजुकेटेड है, एक ना एक दिन तो उसकी नौकरी लगी जाएगी, नहीं तो खुद का तो बिजनेस खोल ही लेगा। फ्यूचर प्रेडिक्शंस नहीं लगाने हैं, पास्ट टेंस के अकॉर्डिंग आंसर नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ किस में जीना है, प्रेजेंट टेंस के अंदर जीना है। ठीक है, जबरदस्ती किसी की नौकरी नहीं लगवानी है, किसी को टेनिस से क्रिकेट नहीं खिलवाना है कि मैम आगे जाके जो टेनिस फैन था उसको क्रिकेट पसंद आ गया था, भाई ऐसा कुछ भी नहीं करना है। तो प्रेजेंट में जो रिसोर्सेज है उसी के अकॉर्डिंग आंसर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रेजेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब देखो, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और बहुत ईजी है ये वाला। ट्रक्स लिखा है आप लोगों के लिए, आप लोगों के लिए शिप लिखा है, और आप लोगों के लिए लिखा है गाइस गुड्स, ठीक है। ट्रक्स, शिप और गुड्स, ठीक है। देखो क्या क्या लिखा है आप लोगों के लिए, लिखा है ट्रक्स, शिप्स और गुड्स। हाँ, ये इन्वेस्टमेंट प्लान्स जो लगाते हैं ना, सारे इन्वेस्टमेंट प्लान्स वेन डायग्राम सॉल्व करते वक्त नहीं लगाने, फ्यूचर में नौकरी लग जाएगी और ये हो जाएगा वो हो जाएगा। चले, यहाँ पर आंसर मुझे दे दीजिए, पांच ऑप्शंस दिए हैं इस बार, लो आपके लिए और ज्यादा, अब और ज्यादा आपके पास वैरायटी है। ट्रक है लिखा है, शिप्स लिखा है, और गुड्स लिखा है। देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और सीधा सीधा आंसर इसका दिख रहा है आप लोगों को, थ्री, ठीक है। देखो ये आपके गुड्स हो गए, कुछ गुड्स को हम शिप में ले जाते हैं, ठीक है, और कुछ गुड्स को हम लोग ट्रक्स में ले जाते हैं, सीधा सीधा दिख रहा है। बीच वाला जो है आप लोगों का वो गुड्स हो जाएगा, ऊपर वाला सर्किल जो है, देखो ये वाले ऐसे गुड्स हैं जो शिप में जाते हैं, ये वाले ऐसे गुड्स हैं जो ट्रक में जाते हैं, बट जरूरी नहीं कि सभी के सभी ट्रक्स में गुड्स जाएं, जरूरी नहीं कि सभी के सभी शिप में गुड्स जाएं, तो इसलिए बाकी सारा गुड्स हो गया, ये वाले आपके ट्रक्स हो गए, ये वाले आपका शिप हो गया। तो किसने सही आंसर दिया, रुको मैं पकड़ लूं, सी में और फाइव में कंफ्यूजन है। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, जिन्होंने भी सही आंसर दिया है, कुछ लोगों ने सही आंसर्स यहाँ पर दिए हैं मुझे, थ्री, वेरी गुड, थ्री या फिर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गाइस, है ना। तो वेरी वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत बढ़िया, ठीक है। स्मगलिंग वाला एग्जाम्पल याद है ना, वो स्मगलिंग में हमेशा हम लोग यही लेके जाते हैं, शिप और ट्रक। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रदर, हस्बैंड एंड मैन, ये कल मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया था, इफ यू रिमेम्बर, सेम क्वेश्चन करवाया था मैंने आप लोगों को, फादर, सन और मैन, है ना, एक क्वेश्चन हम लोगों ने ये कल किया था गाइस, और आज हम कर रहे हैं ब्रदर, हस्बैंड एंड मैन, ब्रदर, हस्बैंड एंड मैन। ब्रदर, हस्बैंड और मैन, ठीक
बहुत ही जल्दी आंसर दिया है गौतम जी ने, देखिए ये तो बहुत ही सिंपल हो जाएगा, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा सीधा सीधा ऑप्शन नंबर टू। देखो ये आप लोगों के मेन हो गए, ये आप लोगों के ब्रदर्स हो गए, ये आप लोगों के क्या हो गए, हस्बैंड हो गए, ठीक है ना। कुछ ऐसे ब्रदर्स है जो हस्बैंड भी है, ये ब्रदर्स अलग, जो हस्बैंड नहीं है ये केवल वो हस्बैंड जिनका जो कोई किसी के ब्रदर नहीं है, सिंगल चाइल्ड हो सकते हैं, और सभी दोनों के दोनों किसमें आएंगे, मेन के अंदर आएंगे। तो ये तो इजी क्वेश्चन था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गाइस, अ डैश स्कैनर रिकॉर्ड्स कैरेक्टर्स बाय स्लाइडिंग इट अलोंग अ लाइन ऑफ टेक्स्ट, ठीक है। आई होप कि अब हमारा वेन डायग्राम के अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है गाइस, ठीक है। हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं इस वीक में वेन डायग्राम के, है ना, मैंने सारे टाइप के क्वेश्चंस कराए हैं आपको। सो आई होप कि आपका वेन डायग्राम में अभी कॉन्फिडेंस भर गया है, ठीक है। तो लाइक भी होना चाहिए अगर आपको वेन डायग्राम का कॉन्फिडेंस आ गया है अब, क्योंकि अब अगले वीक से हम लोग एक नया टॉपिक उठाएंगे, और मोस्ट प्रोबेबली मैं स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन उठाने वाली हूँ नेक्स्ट टाइम, इंटरनेट और स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन इसको मिक्स करेंगे। फिलहाल आंसर दीजिए मुझे इस वाले क्वेश्चन का। स्कैनर, अ डैश स्कैनर रिकॉर्ड्स कैरेक्टर्स बाय स्लाइडिंग इट अलोंग द लाइन ऑफ टेक्स्ट, कैरेक्टर रीडर या कैरेक्टर स्कैनर, फ्लैट बैक, बार कोड या पोर्टेबल। तो हम लोगों ने अभी डिस्कस किया था ये कैसे स्कैनर्स होते हैं गाइस, ये होते हैं आप लोगों के पोर्टेबल स्कैनर्स। अच्छा, इन्हीं स्कैनर्स को हम लोग फ्लैट बैड के अंदर भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसका आंसर चाहो तो आप लोग बी भी दे सकते हो, चाहो तो आप लोग डी भी दे सकते हो, ठीक है। तो ये आप लोगों का दोनों मिक्स आंसर हो सकते हैं। सी क्यू आएगा, सी क्यू आएंगे। अरे वो बार कोड स्कैनर नहीं होता है, वो बार कोड रीडर अलग होता है, बार कोड रीडर होता है, वो अलग होता है, उसको स्कैनर की कैटेगरी में नहीं लाना है, ठीक है। बार कोड स्कैनर नहीं लगाएंगे, ठीक है। बार कोड रीडर अलग होता है गाइस, वो अलग डिवाइस होती है, मैं इस स्कैनर की बात कर रही हूँ, है ना। फ्लैट बैड पोर्टेबल स्कैनर होते हैं कुछ, जो कि आप लोगों के घरों में भी यूज होते हैं ये चीजें, ठीक है ना। इसके अलावा और भी छोटे साइज के हम लोग बना सकते हैं ना, तो उसको हम लोग पोर्टेबल बोल देते हैं, जो कैरी करने के लिए इजी होते हैं। अच्छा, पोर्टेबल का मतलब क्या होता है, पोर्टेबल का मतलब ये होता है गाइस, जिसको आप पोर्ट कर सकते हो या जिसको आप लोग कैरी कर सकते हो एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर इजीली। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी या फिर बी भी लगा सकते हो। अ डैश कैमरा रिकॉर्ड्स इमेजेस ऑन द डिस्क इंस्टेड ऑफ अ फिल्म, अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये चारों के चारों डोमेन के क्वेश्चन आप लोगों के, या चारों वर्ड्स आप लोगों से अक्सर पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर। तो देखो क्या बोल रहा है, अ कैमरा रिकॉर्ड्स इमेजेस ऑन अ डिस्क इंस्टेड ऑफ फिल्म, वीडियो, फोटो सेंसिटिव कैमरा, ट्रेडिशनल कैमरा या फिर डिजिटल कैमरा। ए, सोच के आंसर करिए गाइस, सोच समझ के हमको आंसर करना है यहां पर। देखिए गाइस, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा डिजिटल, मैंने अभी आप लोगों को बोला सोच के आंसर करो। A dash camera records images on a disc instead of a film. आप जो आंसर दे रहे हो मुझे वीडियो का, वो तो फिल्म फॉर्म के अंदर रिकॉर्ड करता है ना, इमेजेस फॉर्मेट के अंदर कौन करता है, डिजिटल कैमरा करता है गाइज, डिजिटल कैमरास करता है इन द फॉर्म ऑफ पिक्चर्स, इमेजेस, है ना। और ये जो चीटिंग करके डी आंसर्स दिए हो, जो विद्यार्थी यहां पर चीटिंग करके मेरे को आंसर दे रहे हैं अब ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि मैंने दिखा दिया है डी, उनका मान्यता नहीं मानी जाएगी, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा डी, ये चीज याद रखिएगा, इस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखेंगे आप लोगों के जो डिजिटल कैमरास होते हैं ना, वो डिजिटल कैमरास क्या करते हैं गाइस, इमेज फॉर्मेट के अंदर आप लोगों का वीडियो रिकॉर्ड करते हैं। अच्छा, ये इमेज भी किस फॉर्म के अंदर स्टोर की जाती है, बिट कैरेक्टर्स के फॉर्म के अंदर स्टोर की जाती है, किसके फॉर्म के अंदर, बिट कैरेक्टर्स के अंदर स्टोर की जाती है, ओके।
करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अच्छा मुझे एक बात बताइए गाइस, फोटो सेंसिटिव कैमरास कैसे होते हैं? फोटो सेंसिटिव कैमरास, अच्छा फोटो सेंसिटिव कैमरास कैसे कैमरास होते हैं? फोटो सेंसिटिव, अगर आप लोगों को याद हो तो ये वो कैमरास होते हैं गाइस जो सिर्फ लाइट के अंदर अच्छे से काम करते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा हो पुराने जमाने के जो कैमरास होते थे जिनको हम लोग ढक के जिनकी उम्र फोटो खींचते थे, वो राजा महाराजाओं के टाइम पे जो कैमरास यूज होते थे, वो हमारे यहाँ पर होने वाला है ना? बिल्कुल, फ्रेम कैरेक्टर्स यानी बिट फॉर्मेट के अंदर डेटा को स्टोर करके रखते हैं, है ना, फ्रेम बफर के अंदर जिनकी वैल्यू स्टोर होती है, राइट है ना, जो आप लोगों के बहुत पुराने समय में यूज होते थे, ठीक है। और ट्रेडिशनल तो अपना नॉर्मल चल रहा है जो वीडियो को फिल्म के फॉर्मेट के अंदर स्टोर करता है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू अ स्पेशल टाइप ऑफ वीडियो कैमरा यूज फॉर ब्रॉडकास्टिंग इमेजेस ऑन इंटरनेट? इंटरनेट पे इमेजेस को ब्रॉडकास्ट करने के लिए कौन सा कैमरा यूज आता है? कौन सा स्पेशल टाइप ऑफ वीडियो कैमरा यूज आता है? उससे पहले मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहूंगी वेब कैम के बारे में गाइस। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कहेंगे कि मैम ये एक इनपुट डिवाइस होता है, कुछ लोग कहेंगे कि ये क्या होता है, एक आउटपुट डिवाइस होता है, जबकि मैं आप लोगों को बताती हूँ कि इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए बोथ। आप लोगों का वेब कैम जो होता है वो होता है गाइस बोथ। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पर मिस्टर क्या है, एलिस है, मिस्टर एलिस के पास में क्या है, लैपटॉप है, लैपटॉप पे क्या लगा हुआ है, वेब कैमरा लगा हुआ है, और यहाँ पर मिस्टर एलिस बैठ के क्या कर रहे हैं, किसी से वीडियो चैट कर रहे हैं। तो इस वक्त ये वेब कैम कैसे काम करने वाला है, ये वेब कैम आपका काम कर रहा है एज एन इनपुट डिवाइस, ठीक है ना। उसके बाद में ये वेब कैम जो है वो आपकी सारी इंफॉर्मेशन दे रहा है किसको, मिस्टर बॉब को, ठीक है। और मिस्टर बॉब क्या कर रहे हैं, इस वेब फॉर्म के अंदर, वेब कैम के फॉर्म के अंदर इसका आउटपुट भी ले रहे हैं और इसका इनपुट भी। इसके आउटपुट को शो करने के लिए एक एप्लीकेशन हम लोगों को चाहिए होती है जो क्या डिस्प्ले करती है, कोई भी वीडियो डिस्प्ले करती है। इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि वेब कैम को आप बोथ कैटेगरीज में कंसिडर करेंगे। ये कैसा होता है, दोनों ही होता है, इनपुट भी हो सकता है और आउटपुट भी हो सकता है। बहुत सारी जगहों पर ये से इनपुट बोला जाता है, कुछ जगहों पर इसको आउटपुट बोला जाता है, बट ये दोनों में जाएगा गाइस, ठीक है। चल अब बात कर लेते हैं कि वेब कैम होगा, आई कैम होगा, ई कैमरा होगा या वेब वीडियो होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है गाइस, वेब कैम ही होने वाला है, ठीक है ना। तो देख लीजिए आपकी ब्रॉडकास्ट अगर करना है, और ऑब्वियसली किसी भी इमेज को ब्रॉडकास्ट करने के लिए तो आपको एक इनपुट डिवाइस भी रिक्वायर्ड होगा और एक आउटपुट डिवाइस भी रिक्वायर्ड होगा, है ना। अच्छा ये टर्म भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रॉडकास्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, ब्रॉडकास्ट। देखिए गाइस ध्यान से समझो, ये जो आपका कास्ट चीज होती है ना, कास्ट, ठीक है ना, वो रिलीजन और कास्ट वाला कास्ट नहीं है ये। अगर इंटरनेट की टर्म के अंदर मैं आप लोगों को कास्ट बताऊं तो कास्ट का मतलब होता है किसी भी चीज को डिस्प्ले करना या किसी भी चीज का आउटपुट प्रोवाइड कर देना, किसी भी चीज का आउटपुट प्रोवाइड कर देना। तो ये जो होता है आप लोगों का कास्ट मतलब होता है किसी को भी डिस्प्ले दे देना या किसी भी जगह पर कोई चीज डिस्प्ले करवा देना, आउटपुट दे देना किसी भी जगह पर, किसी पर्टिकुलर जगह पर, है ना। और ब्रॉड का मतलब ये होता है, ब्रॉडकास्ट का मतलब, या फिर आपका मल्टीकास्ट वर्ड आपने सुना होगा, यूनिकास्ट मतलब सुना होगा। देखो ये सारी के सारी टर्म रिलेटेड है आप लोगों के नेटवर्किंग डिवाइसेस से गाइस। तो बेसिकली कंप्लीट नेटवर्किंग हम लोगों ने, मैंने आपको बहुत डिटेल में और सिंपल भाषा में समझाया है कि नेटवर्क का मतलब क्या होता है, जब दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर एक दूसरे से क्या करते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं, तो हम उनके ग्रुप को बोलते हैं नेटवर्क, ठीक है ना। और अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने हमेशा से ऐसे आप लोगों को क्लाउड फॉर्मेट के अंदर इंटरनेट या फिर नेटवर्क सिखाया है कि इसे हम लोग बोलते हैं नेटवर्क, ठीक है ना, जिसमें सबसे बड़ा नेटवर्क होता है आपका इंटरनेट, ठीक है, फिर होता है आपका एक्स्ट्रानेट और फिर होता है आपका इंट्रानेट। तो ब्रॉडकास्ट का मतलब ये है कि नेटवर्क के अंदर जितने भी लोग हैं उन सभी के पास क्या चला जाए, उन सभी के पास मैसेज चला जाए, या जो भी आप डिस्प्ले करवाना चाहते हो, जो भी आप आउटपुट देना चाहते हो, सभी के पास चला जाए, तब हम उसे बोलते हैं ब्रॉडकास्ट। इसी के साथ में एक और वर्ड होता है गाइस जिसे हम लोग बोलते हैं मल्टीकास्ट, है ना, मल्टीकास्ट। देखो ब्रॉडकास्ट में भी सभी को जा रहा है, मल्टीकास्ट में भी सभी को जा रहा है, बट दोनों में फर्क किसका होता है, दोनों में फर्क होता है डोमेन का।
देखो यहाँ पर जो चल रहा है वो चल रहा है इंट्रा डोमेन। इंट्रा डोमेन का मतलब क्या है, मान लीजिए कि यहाँ पर ये जो नेटवर्क है ये किसका है, ये है आप लोगों के इंडिया का नेटवर्क, और ये जो नेटवर्क है ये है आप लोगों के यूएस का नेटवर्क। ठीक है, तो अगर इस नेटवर्क के अंदर 5000 कंप्यूटर्स क्या है रिलेटेड है एक दूसरे से, तो ब्रॉडकास्ट क्या करेगा, इन 5000 को भी भेज देगा मान लीजिए, और ये 10000 है इन 10000 को भी भेज देगा, यानी दोनों को ही भेज देगा। वेयर एज आपका जो मल्टीकास्ट है वो किसी पर्टिकुलर डोमेन को ही भेजेगा, यानी कि आपने यहां से कोई मैसेज भेजा तो इस नेटवर्क के अंदर जो 5000 कंप्यूटर्स है सिर्फ उन्हीं को भेजेगा, यानी वो कैसा होता है, इंट्रा डोमेन होता है, इंट्रा डोमेन। ठीक है, कौन सा, मल्टीकास्ट। और आपका जो ब्रॉडकास्ट होता है वो होता है आपका इंटर डोमेन। जैसे आप इंट्रा लेवल पढ़ते हो ना, जैसे इंट्रा पढ़ते हो कम्युनिकेशन में, इंट्रा और इंटर पढ़ते हो, तो दो नेटवर्क्स के बीच में सभी कंप्यूटर्स को भेजना ब्रॉडकास्ट, एक नेटवर्क के अंदर सभी कंप्यूटर्स को भेजना मल्टीकास्ट। ये आप लोगों से टर्म पूछी जा सकती है। ठीक है, करेक्ट है, ये आपका कॉन्सेप्ट हो गया। और एक होता है गाइज यूनिकास्ट, है ना, और यूनिकास्ट का मतलब क्या होता है, जैसे व्हाट्सएप पे आप सेल्फ मैसेज भेजते हो, सेल्फ मैसेज हो गया मतलब किसी एक पर्टिकुलर बंदे को उसके फोन नंबर के द्वारा मैसेज भेजते हो आप, तो उसे हम लोग बोलते हैं यूनिकास्ट, जिसमें एक ही जने को हम लोग मैसेज भेज रहे हैं। तो तीन टर्म होती है, ठीक है, जो आपको समझ के चलनी है, ब्रॉडकास्ट, मल्टीकास्ट और यूनिकास्ट। ठीक है, यूनिक का मतलब ही होता है वन। ओके, ठीक है, ये आपका इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हो गया। नेक्स्ट देखें, अ सिंगल बस स्ट्रक्चर इज प्राइमरली फाउंड इन व्हाट, मेन फ्रेम्स, सुपर कंप्यूटर्स, हाई परफॉर्मेंस मशीन्स, मिनी एंड माइक्रो कंप्यूटर्स। ये आप लोगों का क्लासेस ऑफ कंप्यूटर का क्वेश्चन है गाइस, क्लासेस ऑफ कंप्यूटर का अच्छा क्वेश्चन है ये। जी रितेश, मैंने आपका मैसेज पढ़ लिया है, थैंक यू सो मच। अभी एक क्वेश्चन पे आप आंसर लगाएं, ठीक है ना, क्वेश्चन पे ध्यान दें। अरे भाई क्वेश्चन पे आंसर, आई मीन क्वेश्चन पे दिमाग लगाओ, ठीक है, जो भी चल रहा है चलने दो। ओके, कुछ लोग थोड़े एक्साइटेड होते हैं तो अभी होने दो ना, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग पढ़ लो। ओके, आप लोग पढ़िए, चलो क्या बोल रहे हैं, अ सिंगल बस स्ट्रक्चर प्राइमरली फाउंड इन विच टाइप ऑफ कंप्यूटर्स। तो देखो ये आप लोगों के छोटे कंप्यूटर्स में माना जाएगा यार, है ना, मिनी कंप्यूटर्स हो गए आप लोगों के और माइक्रो कंप्यूटर्स हो गए। ठीक है, मिनी और माइक्रो कंप्यूटर्स। अगर मैं आप लोगों से पूछू पीसी तो ये इसी में आएगा, पीसी मतलब पर्सनल कंप्यूटर। ठीक है, पर्सनल कंप्यूटर्स। ओके, मेन फ्रेम्स, तो बड़े वाले कंप्यूटर्स होते हैं जैसे मैंने आपको बताया था, जो अपने डेटाबेस के लिए जाने जाते हैं, ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा को स्टोर करने के कैपेबल होते हैं, जिनको हम लोग बैंकिंग सिस्टम में यूज करते हैं। ठीक है, सुपर कंप्यूटर्स आप लोग जानते हो, अपनी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन के लिए जाने जाते हैं, कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन, ठीक है, और अपनी स्पीड के लिए जाने जाते हैं, है ना, ऐसा नहीं है कि इनके पास मेमोरी नहीं होती है, बट स्टिल ये जाने इसके लिए जाते हैं। हाई परफॉर्मेंस जो होते हैं वो एफिशिएंट कंप्यूटर्स होते हैं, जिनको हम मिक्सचर ऑफ कंप्यूटर्स से बना सकते हैं। माइक्रो और मिनी कंप्यूटर्स आप लोगों के छोटे कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स वगैरह, ये जो टैबलॉइड्स वगैरह होते हैं, ये सारी चीजें पर्सनल कंप्यूटर्स हो गए आप लोगों के। ठीक है ना, अच्छा मैं आप लोगों से अगर पूछूंगा इसकी सबसे तेज कंप्यूटर जो अब बनने लग गए हैं, स्पीड जिनकी सबसे मैक्सिमम होती है, वो कौन से कंप्यूटर्स होंगे, तो आप लोगों को याद रखना है क्वांटम कंप्यूटर्स। ठीक है, जिन्होंने मुझसे आईसीटी पढ़ा है उनको मैंने डिफरेंस भी बताया था क्वांटम कंप्यूटर्स में और आप लोगों के कौन से कंप्यूटर्स में, सुपर कंप्यूटर्स में। ठीक है, तो नेक्स्ट जनरेशन यही है, मतलब जो आपका आने वाला फ्यूचर है, अभी तक बनाया नहीं गया है, सिर्फ एक प्रोटोटाइप देखा गया था, और उस प्रोटोटाइप की जो स्पीड थी, या बेसिकली इसने जो कैलकुलेशन को सॉल्व किया था गाइस, कहा गया कि आपके 1000 सुपर कंप्यूटर्स को भी एक साथ लगा दिया जाए उससे भी जल्दी, और वो भी शायद उसे सॉल्व नहीं कर सकते, ऐसी कैलकुलेशन इस क्वांटम कंप्यूटर में सॉल्व करके दिखाई। तो ये है आपका फ्यूचर,
नेक्स्ट, द प्रिंसिपल एडवांटेज ऑफ द सेंट्रलाइज्ड अप्रोच टू ऑर्गेनाइजिंग अ कंप्यूटर फैसिलिटीज कॉल्ड इज व्हाट? कॉस्ट इफेक्टिवनेस, प्रोसेसिंग एक्टिविटीज आर इजियर टू कोऑर्डिनेट, प्रोसेसिंग एक्टिविटीज आर इजियर टू कंट्रोल, और ऑल ऑफ द अबव? सेंट्रलाइज्ड अप्रोच का क्या मतलब होता है किसी भी कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर? सेंट्रलाइज्ड डी, ऑल ऑफ द अबव, नैन्सी ने सबसे पहले आंसर किया है, और क्या ये ऑल ऑफ द अबव की वजह से किया है? देखिए गाइस, करेक्ट आंसर इसका डी ही होने वाला है। सेंट्रलाइज्ड मतलब क्या होता है, कोई एक सेंट्रल एंटिटी होती है जो कमांड में होती है, होल्ड में होती है, और ये जो है ये होल्ड करती है बाकी सभी लोगों को, ठीक है? तो ये जो आप लोगों की अप्रोच होती है ये कॉस्ट इफेक्टिव होती है, बिल्कुल सही बात है। प्रोसेसिंग एक्टिविटी इसमें ईजी हो जाती है कोऑर्डिनेट करना, क्योंकि सभी लोग एक पर्टिकुलर कमांड में जो व्यक्ति है या जो कंप्यूटर है उससे रिलेटेड है, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा स्विचेस और हब लगा देते हैं हम नेटवर्क के अंदर। प्रोसेसिंग एक्टिविटीज आर इजियर टू कंट्रोल ऑफ कोर्स, क्योंकि सबका डिटेल इस सेंटर एंटिटी के पास में होता है, तो ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। अच्छा, इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या होता है गाइस? सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या होता है, सेंट्रल अगर आप लोगों के पास में अप्रोच होती है और इसी वजह से हम डिसेंट्रलाइजेशन पे जाते हैं, सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या होता है इसका? देखिए गाइस, सबसे बड़ा डिसएडवांटेज इसका ये होता है कि अगर इसी जो ये आपका सेंटर नोड जो है अगर यही फेल हो जाए तो, है ना, तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है इसका बॉटलनेक, है ना? बॉटलनेक मतलब जो सेंट्रल एंटिटी थी उसी में गड़बड़ हो जाए तो कोई काम नहीं हो पाएगा, ठीक है? तो कोई काम नहीं हो पाएगा, ठीक है? नेक्स्ट, डेटा सिस्टम फॉर प्लानिंग आर ऑफन कॉल्ड एज व्हाट? डिसीजन एनालिसिस सिस्टम, प्लानिंग एनालिसिस सिस्टम, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, या फिर ऑल ऑफ द अबव? क्या हो गया, हो क्या गया, इतने से मैं थक गए, इतने से मैं थक गए क्या? मतलब मुझे मजा नहीं, मुझे मजा आ रहा है, बट आप लोग टाइम के अकॉर्डिंग पढ़ते हो क्या, टाइम गिनते हो? तो मतलब बंद करें हम? देखिए गाइस, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं प्लानिंग एनालिसिस सिस्टम। फिर वही बात, हर बात में डी, ऑल ऑफ द अबव दिखता नहीं है कि ऑल ऑफ द अबव लगाया रहता है हर बात में, फिर ऑल ऑफ द अबव, ठीक है? तो ऑल ऑफ द अबव नहीं लगाया जाएगा यहां पर, क्या होगा आप लोगों का जो कि प्लानिंग के लिए जाने जाते हैं वो आपके स्ट्रैटेजिक सिस्टम्स होते हैं, प्लानिंग एनालिसिस सिस्टम्स होते हैं गाइस, ठीक है? तो चलिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। आप सभी लोग जानते हैं गाइस, प्लस पे नया बैच शुरू हो रहा है। जितने भी लोग पूछ रहे थे कि नया बैच कब से आएगा, तो मैंने अनाउंस कर दिया है 28th of July से आपका नया बैच आ रहा है, ज्वाइन कर लीजिएगा। प्लस के एक्स्ट्रा बेनिफिट्स, आइकॉनिक के एक्स्ट्रा बेनिफिट्स आप लोगों को मिल जाएंगे, नए बैच को ज्वाइन कर लीजिएगा। बग्स बाउंटी के बारे में आप जानते गाइस, अगर आपको कंटेंट में कुछ भी ऐसा लगता है जो इनअप्रोप्रिएट है तो आप उसे क्या कर सकते हैं, रिपोर्ट कर सकते हैं, और आप लोग अगर पहले व्यक्ति बनते हैं रिपोर्ट करने वाले तो आप प्राइज भी क्लेम कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं गाइस, थैंक यू सो मच। आप सभी लोगों को मैं बता दूं कि 11 AM हमारा सेशन है स्पेशल, जिसके अंदर मैं आप लोगों से बात करने वाली हूं पेपर वन के कुछ मिक्स एमसीक्यूज की, ठीक है ना? पेपर वन के मिक्स एमसीक्यूज के बारे में हम स्पेशल क्लास लगाएंगे। अगर आप नए हैं तो अदिति 10 यूज करिएगा रेफरल कोड पे, इनवाइट कोड के तौर पे फ्री क्लास होती है। बाकी सब्सक्रिप्शन जिसको लेना है 31st of July से पहले पहले ले लें। जिसने भी अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है, गंदी बात है ये, ठीक है? कंजूसी नहीं करनी है, वीडियो को लाइक करना है और फिर क्लास को लीव करना है, ठीक है ना? तो जिसने भी अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है वो क्लास को लाइक कर दें, और जिसने भी अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया था वीडियो को शेयर जरूर करिएगा गाइस। ये आपके SSC, बैंक, ठीक है, रेलवे, कोई सा भी आपका फ्रेंड हो जो इस इन सभी एग्जाम्स की तैयारी कर रहा हो, सभी से आप लोग शेयर कर सकते हो, ठीक है? क्योंकि ये क्वेश्चंस सभी एग्जाम्स में आते हैं, ठीक है? चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, 3 लाख की फैमिली हमारी हो गई है, इस फैमिली को ग्रो करना है गाइस, जिसमें आप लोगों का सपोर्ट हमें चाहिए होगा। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं आप लोगों से 11 बजे। बाय बाय।